हेलो दोस्तों, सीएसटीडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ट्रैक से रिलेटेड इंग्लिश में बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट भी है तो समझने में कोई आपको दिक्कत ज्यादा होगी नहीं, आसानी से समझ सकते हैं और ढेर सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टेशन ऑन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में कितने स्टेशन है? तो लगभग बी नंबर आंसर होगा 70,070 के आसपास इसका स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट टनल ऑन इंडियन रेलवे। सबसे टनल आपका लंबा बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, खरबूडे टनल ऑन कोंकण रेलवे। तो दोस्तों, आपको इस पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा, दूसरे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑन इंडियन रेलवे, सबसे लंबा बताना है तो सोन ब्रिज एट देहरी ऑनसोन जो बिहार में है इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन नहीं बता के आपको आंसर सिर्फ बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे, सबसे लंबा पैसेंजर ट्रेन बताना है भारतीय रेलवे में, तो प्रयागराज एक्सप्रेस है। ये मैं बुक से क्वेश्चन लिया हूँ जो पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑन इंडियन रेलवे, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बताना है। गुम स्टेशन इन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तो दार्जिलिंग हिमालयन गुम स्टेशन है, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक एंड ट्रैक गेज से अब क्वेश्चन आया है, तो बताइएगा ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट साइडिंग विद ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 80 to 100 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज द ट्रैक स्ट्रक्चर एज स्पेसिफाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त डी रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट साइडिंग विद ऑपरेटिंग स्पीड 50 से 80 किलोमीटर पर घंटा इज द सेम एज ट्रैक स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ग्रुप ई रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट विथ रिगार्ड टू कॉनिंग ऑफ व्हील्स, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इट इंक्रेसेस वेयर एंड टियर व्हील फ्लैग्स, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटिंग ऑफ रेल डन एट स्लॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1:20, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ टू रेल्स क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेज ऑफ ट्रैक बोला जाता है। अगला प्रश्न, द रेटियो ऑफ व्हील डायमीटर ऑफ गेज इज अबाउट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन रन फास्टर ऑन ब्रॉड गेज देन ऑन मीटर गेज रेल बिकॉज इट्स स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका आंसर हो जाएगा वेट ऑफ द ट्रेन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेटियो ऑफ मैक्सिमम कैंट ई एंड गेज जी इन इंडिया इज अबाउट 1/10 रेटियो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज इंप्लाइड टू डिटरमाइन इज आंसर डी नंबर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर एंड देयर बाय गिव्स इज सुटेबल एज टू बी यूज्ड एज स्लीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रिकमेंडेड फॉर इंडियन रेलवे फॉर 1 in 8.5 क्रॉसिंग, ये आंसर 16 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 52 kg रेल, तो 52 kg रेल का पर मीटर का वेट बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51.89 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ 60 केजी रेल सेक्शन? 60 केजी रेल का आपको हाइट बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 172 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम प्लस 7 स्लीपर डेंसिटी हाउ मेनी स्लीपर्स आर देयर इन ए किलोमीटर ट्रैक? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1540. अगला प्रश्न, व्हाट इज द एसएससी जीएमटी सर्विस लाइफ ऑफ 60 केजी 90 यूटीएस रेल? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 जीएमटी. अगला प्रश्न, व्हाट इज द एसएससी जीएमटी सर्विस लाइफ ऑफ 52 केजी टू 90 यूटीएस रेल? इसका आंसर हो जाएगा 525 जीएमटी. अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म यूटीएस ऑफ रेल? इसका आंसर हो जाएगा बी अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ. बी नंबर आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ हेड ऑफ 52 केजी रेल? इसका आंसर सी हो जाएगा 67 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? ग्रॉस मिलियन टन्स जीएमटी का फुल फॉर्म होता है. अगला प्रश्न, इन इंडियन रेलवे हाउ मेनी गेज ऑफ ट्रैक हैज बीन एडॉप्टेड? तो कितने गेज भारतीय रेलवे में है? तो 3 गेज है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज. अगला प्रश्न, व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ ट्रेन इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में सबसे हाईएस्ट स्पीड कितना है? 160 किलोमीटर पर आवर. अगला प्रश्न, हाउ मेनी डिवीजन इन नॉर्थन रेलवे? नॉर्थन रेलवे में कितना डिवीजन आपको बताना है, जिसका आंसर हो जाएगा 5. अगला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड गेज? आप ब्रॉड गेज के मतलब क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉड गेज, फुल फॉर्म बताना है आपको. अगला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय आरडीएसओ? एक रिसर्च संस्था है जो लखनऊ में, इसका हेडक्वार्टर है. इसका आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ए नंबर. इसका आंसर जो बोल्ड में लिखा हुआ है, आंसर इसका है. अगला प्रश्न, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थन रेलवे? नॉर्थन रेलवे का हेडक्वार्टर आपको बताना है, जिसका आंसर हो जाएगा दिल्ली. उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है. अगला प्रश्न, व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन रेलवे? रेलवे में सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सा होता है आपको बताना है, जिसका आंसर हो जाएगा सी चेयरमैन रेलवे बोर्ड. सीआरबी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है इसका. अगला प्रश्न, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इन ब्रॉड गेज? ब्रॉड गेज में स्टैंडर्ड डिस्टेंस आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर होता है 1676 mm का डिस्टेंस होता है. अगला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय LWR? LWR का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग बेल्टेड रेल. अगला प्रश्न, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हाउ मेनी जोन्स आर इन इंडियन रेलवे? टेम्परेचर के हिसाब से रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4. 4 टेम्परेचर जोन है. अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMS यूज्ड ऑफ ट्रैक रिकॉर्डिंग? इसका आंसर हो जाएगा ऑसिलेशन मॉनिटराइजिंग सिस्टम. दोस्तों, ये रेलवे का पूछा हुआ लगभग प्रश्न है सभी, जो मैंने एक बुक से लिया है. तो आपको वीडियो लंबा हो सकता है, तो रोक रोक के आप बीच बीच में वीडियो देखते रहिए. अगला प्रश्न, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैक रिकॉर्डिंग ऑफ द सेक्शन हैविंग स्पीड मोर देन 110 किलोमीटर टू 130 किलोमीटर प्रति घंटा? इसका आंसर हो जाएगा 3 months. अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PQRS यूज्ड फॉर ट्रैक रिन्यूअल वर्क्स? इसका आंसर हो जाएगा प्लेजर क्विक रिलेइंग सिस्टम, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा. अगला प्रश्न,
मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व ऑन ब्रॉडगेज, आपको ब्रॉडगेज में मिनिमम जो है कर्व बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 175 मीटर। अगला प्रश्न, मिनिमम चेक रेल क्लियरेंस एट लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग का चेक रेल का जो गेट का जो होता है मिनिमम आपको बताना है इसका क्लियरेंस, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा 51 mm, 51 से 57 रहता है चेक रेल का गैप। अगला प्रश्न, मैक्सिमम हाइट अबव रेल लेवल ऑफ हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 840 mm। अगला प्रश्न, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन ट्वाय ऑफ ओपन स्विच एंड स्टॉक रेल फॉर न्यू वर्क, इसका आंसर हो जाएगा ए 115 mm। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीजीआई फॉर ट्रैक रिकॉर्डिंग, आपको टीजीआई का फॉर्मूला बताना है ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2UI+TI+GI+6AI/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ यूनिवेंस ऑफ ए कैटेगरी ऑफ ट्रैक, तो 0 से 6 mm तक। अगला प्रश्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेल फ्लेंज ऑफ 60 kg एंड 52 kg रेल सेक्शन, बताना है आपको बीच का, तो इसका हो जाएगा 14 mm। अगला प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ऑफ मेजरिंग यूनिवेंस इन ट्रैक रिकॉर्डिंग, इज आंसर 9.6 मीटर। अगला प्रश्न, फ्रीक्वेंसी ऑफ टीटीएम टैंपिंग ऑन पीएससी स्लीपर ट्रैक, इसका आंसर हो जाएगा 2 ईयर और 100 GMT व्हिच ईयर इज अर्लियर। अगला प्रश्न, हाउ मेनी स्लीपर आर देयर इन फैन सेप्ट इन 1 in 12 टर्नआउट, हाउ मेनी स्लीपर्स, कितने स्लीपर का प्रयोग होता है फैन सेप्ट 1 in 12 टर्नआउट में, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 96 स्लीपर। अगला प्रश्न, मिनिमम विंग रेल क्लियरेंस ऑपोजिट नोज ऑफ क्रॉसिंग ऑन फैन सेप्ट टर्नआउट, इसका आंसर हो जाएगा 41 mm। अगला प्रश्न, ओवरऑल लेंथ ऑफ फैन सेप्ट 1 in 12 टर्नआउट 39,975 mm होता है लंबाई इसकी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीजीआई, टीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, परमिसिबल स्पीड ऑफ टर्नआउट विथ 1 in 12 कर्व स्विच, तो इसका हो जाएगा 40 km/h स्पीड पूछ रहा है टर्नआउट का। अगला प्रश्न, परमिसिबल स्पीड ऑफ टर्नआउट विथ 1 in 8.5 कर्व स्विच, तो इसका स्पीड हो जाएगा 25 km/h। अगला प्रश्न, हाउ मेनी ग्रीन फ्लैग्स आर विथ पेट्रोलर ड्यूरिंग हॉट वेदर पेट्रोलिंग, तो आप पेट्रोलिंग के बारे में पूछ रहा है, 2, 3, 1, 3 में सो जाएगा नन ऑफ अबव। पेट्रोलिंग में चलिए अगला प्रश्न, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट फॉर टीटीएम टैंपिंग ऑपरेटिंग इन LWR/CWR, तो इसका हो जाएगा लेवल PWI। अगला प्रश्न, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट फॉर लिफ्टिंग लोयरिंग ऑफ ट्रैक इन LWR/CWR, तो इसका PWS आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट ऑफ पैकिंग और रिन्यूअल ऑफ सिंगल आइसोलेटेड स्लीपर नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग और स्लिंग ऑफ ट्रैक इन LWR/CWR, इसका आंसर हो जाएगा गैंगमेट, जो
मेट लोग करवाता है सबसे लोएस्ट काम वही करवा सकता है। अगला प्रश्न, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कंपोटेंट ऑफ रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग इन LWR बाई CWR। इसका आंसर हो जाएगा की मैन। चलिए अगला प्रश्न, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कंपोनेंट फॉर रिन्यूअल रिक्वायरमेंट ऑफ फास्टनिंग रिक्वायरिंग लिफ्टिंग इन LWR CWR। फिर वही क्वेश्चन गैंग मैट। चलिए अगला क्वेश्चन, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कंपोनेंट फॉर स्क्रीनिंग ब्लास्ट अदर देन डीप स्क्रीनिंग इन LWR CWR। इसका भी आंसर हो जाएगा गैंग मैट। अगला प्रश्न, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हॉट वेदर पेट्रोलिंग ड्यूरिंग द समर मंथ्स इन LWR CWR। इसका आंसर हो जाएगा PWR। चलिए अगला क्वेश्चन, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कंपोनेंट फॉर ऑल ऑपरेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रेसिंग इन LWR CWR। डिस्ट्रेसिंग कौन करवाता है, तो लोएस्ट स्टाफ सुपरवाइजर PWR। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर कंपोनेंट ऑफ पासिंग ऑफ फर्स्ट ट्रेन आफ्टर बकलिंग इन LWR CWR। तो बकलिंग होने पर कौन करवा सकता है, PWR लोएस्ट सुपरवाइजर होता है जो फर्स्ट गाड़ी को निकालेगा अपनी उपस्थिति में। चलिए अगला प्रश्न, हाउ मेनी जोन्स आर इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में कितनी जोन है टोटल आपको बताना है। इन LWR व्हाट इज द रेंज ऑफ डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर इन 52 kg एंड हाईवियर सेक्शन में, आपको टेम्परेचर बताना है। मीन रेल टेम्परेचर +5°C टू मीन रेल टेम्परेचर +10°C, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सपोर्ट कार, बोलना है आपको सपोर्ट का क्या होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय 60 kg रेल, 60 kg रेल का मतलब क्या समझते हैं, वेट ऑफ रेल इन 1 meter। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज लेड एट ए कैंट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए अगला प्रश्न, मिनिमम परमिसिबल वर्टिकल वेयर और नोज ऑफ 52 kg CMS क्रॉसिंग ऑन राजधानी रूट, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 mm। अगला प्रश्न, नॉर्मल लाइफ ऑफ डिटोनेटर्स, डिटोनेटर का लाइफ बताना है आपको पटाखा का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 7 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, परमिसेबल क्रीप इन ट्रैक बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm। अगला प्रश्न, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन ए डे बाय पेट्रोलमैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी इससे ज्यादा नहीं दे सकता एक दिन। चलिए अगला प्रश्न, कर्ब इंस्पेक्शन सेल बी कैरिड आउट बाय सेक्शनल PWR, कितने दिन में इंस्पेक्शन करेगा कर्ब के, इसका आंसर हो जाएगा 1 in 4 months, 4 महीना पर एक बार। चलिए अगला प्रश्न, एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस एट आउट स्टेशन एंड मेन लाइन इज ब्लॉकेड एंड रिलीफ ट्रेन इज टू बी टर्नड आउट विदाउट मेडिकल कार, द हुस्टर सेल बी, कितने बार बजाएगा, 4 बार लॉन्ग हुस्टर बजाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मिनिमम स्पीड रेस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड फॉर ट्रैक रिन्यूअल, इसका आंसर हो जाएगा 20 km/h। तो आप लोग बराबर इंग्लिश का भी रिवाइज करते रहे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये हिंदी से भी आसान आप लोग को समझ में घुसने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न, सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल GMT कैरियड फॉर 52 kg 90 TS रेल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 525 GMT। अगला प्रश्न,
मिनिमम रेल सेक्शंस रिकमेंडेड फॉर सेक्शन हैविंग ट्रैफिक मोर देन 20 GMT इज, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 60 kg। अगला प्रश्न, लुब्रिकेशन ऑफ ERC एंड इंसर्ट इन कोरोशन प्रोन एरियाज एंड प्लेटफॉर्म लाइन इज डन, इसका आंसर हो जाएगा लुब्रिकेशन का है तो वंस इन ईयर, साल में एक बार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, वर्टिकल वेयर परमिसिबल फॉर 60 kg एंड 90 ATS रेल, इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल वेयर पूछ रहा है तो 13 mm हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, परमिसिबल वेयर ऑफ वेब एंड फुट ऑफ रेल ड्यू टू क्रॉसिंग, सॉरी परमिसिबल वेयर ऑफ वेब एंड फुट ऑफ रेल ड्यू टू क्रॉसिंग, इसका आंसर हो जाएगा बी 1.5 mm। चलिए अगला प्रश्न, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कुशन बिलो द बॉटम ऑफ स्लीपर एट द रेल सीट इन ब्रॉड गेज ग्रुप ए रूट शुड बी, ए रूट में कितना ब्लास्ट कुशन दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 300 mm। चलिए अगला प्रश्न, स्लीपर डेंसिटी फॉर ग्रुप ए रूट विद ट्रैफिक डेंसिटी मोर देन 20 GMT, 20 GMT जहाँ होगा वहाँ ट्रैफिक डेंसिटी स्लीपर कितना हो जाएगा 1660 स्लीपर पर किलोमीटर में होना चाहिए ए रूट में। चलिए अगला क्वेश्चन, तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर CC+8T+2T लोडेड ट्रेन्स इज, आंसर हो जाएगा बी नंबर 60 kg 90 ATS PSC 1660 स्लीपर बाय किलोमीटर 300 mm ब्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न, डीप स्क्रीनिंग ऑफ इंटायर ट्रैक मस्ट बी डन एट लीस्ट, इसका आंसर हो जाएगा वंस इन 10 साल में एक बार डीप स्क्रीनिंग। चलिए अगला प्रश्न, सर्विस लाइफ ऑफ ग्लूड इंसुलेटेड रेल ज्वाइंट ऑफ 60 kg रेल, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 GMT सर्विस लाइफ पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्विस लाइफ ऑफ इम्प्रूव SEG ऑफ 60 kg रेल, 60 kg रेल सर्विस लाइफ पूछ रहा है SEG में तो इसका भी हो जाएगा आंसर 200 GMT। चलिए अगला प्रश्न, सर्विस लाइफ ऑफ CMS क्रॉसिंग 52 kg रेल में, तो इसका हो जाएगा डी नंबर 150 GMT आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, D&G charges for works estimates of CTR, इसका आंसर हो जाएगा 1.8% charge। चलिए अगला प्रश्न, What is the speed restriction on deep